बालाघाट निरंतर विकास के पथ पर अग्रसर। मोड़ विधानसभा क्षेत्र का चौमुखी विकास, अधोसंरचना का निर्माण, अधोसंरचना में पीने का पानी, पाठशालाएं, सड़क, बिजली के खंभे, उसके कनेक्शन और स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये जो अधोसंरचना होता है उसका चौमुखी विकास। तमाम नारी शक्ति को मैं बार-बार प्रणाम करती हूँ। सिर्फ विधायक और सांसद बनना ही मेरे जीवन का ध्येय नहीं है, और समाज और राष्ट्र हित में कुछ अच्छा कर सके, यही मेरा उद्देश्य है। आज से 50 साल पहले मध्य प्रदेश के बालाघाट की धरती पर एक ऐसे क्रांतिकारी नवयुवक का आगमन हुआ जिसके मन में समाज के लिए कुछ करने का जुनून था। इनके नस नस में समाज सेवा और देश सेवा का लहू दौड़ रहा था। इस नवयुवक का नाम गौरी शंकर बिसेन है। किसान पुत्र गौरी शंकर बिसेन ने छात्र राजनीति में आकर समाज सेवा के क्षेत्र में कदम रख दिया था। इन्होंने किसानों, नवयुवकों, दबे कुचलों और महिलाओं की हर समस्याओं को अपनी समस्या मानकर एक आंदोलन खड़ा कर दिया था। ऐसे में बालाघाट की जनता के बीच इनकी लोकप्रियता बढ़ती गई। इनकी दिनानुदिन जनता के बीच बढ़ती हुई लोकप्रियता को देखकर भारतीय जनता पार्टी ने इन्हें जिला का उपाध्यक्ष बना दिया। इसके बाद आक्रामक और जुनूनी किसान पुत्र गौरी शंकर बिसेन पूरी तरह से राजनीति के क्षेत्र में उतर पड़े। इसके बाद जनता के आग्रह पर इन्होंने बालाघाट से भारतीय जनता पार्टी के एक उम्मीदवार के रूप में विधानसभा का चुनाव लड़ने का मन बनाया और भारी मतों से इन्होंने चुनाव जीतकर यह साबित कर दिया कि जनता की आवाज ही उनकी आवाज है, जनता की धड़कन ही उनकी धड़कन है। इसके बाद बालाघाट के जमीनी नेता गौरी शंकर बिसेन लगातार बालाघाट से 7 बार विधायक और 2 बार सांसद रहकर आज भाजपा के एक कद्दावर नेता बन गए हैं। अपने 50 साल के कार्यकाल में गौरी शंकर बिसेन ने बालाघाट में विकास की गंगा बहाई है। इंटरनेशनल मधुमक्खी दिवस 20 मई को यहाँ आयोजित किया, उसी दिन उस भवन का लोकार्पण हुआ है। उसी दिन राष्ट्रीय बैलजोड़ी दौड़ प्रतियोगिता आयोजित करके 2 लाख किसानों ने खेती में हमारे यहाँ पर बैल कहते हैं, खेती में चलने वाले उस मवेशी की हमने सम्मानित किया है। और हमारे पशुओं का क्या महत्व है ये हमने उजागर करने का प्रयास किया। उसमें 200 बैल जोड़ियों ने रजिस्ट्रेशन किया और मुझे खुशी है कि महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, अन्य राज्यों से तेज रफ्तार से दौड़ने वाले 22 सेकंड में 1100 मीटर की दूरी तय करने वाले बैल दौड़े और किसानों ने न केवल आनंद लिया बल्कि अच्छी कृषि में मवेशी का बैलों का क्या महत्व है इसको भी उन्होंने डिक्लेयर किया है। आंखों से अपने संकल्प बोल के हम तो निकल पड़े, हर द्वार खोल के लगन कहे विजय भव। तीन बार मंत्री रह चुके बालाघाट की जनता के सिपाही गौरी शंकर बिसेन काफी संघर्ष और कड़ी मेहनत की बदौलत आज बालाघाट के एक लाडले नेता बने हुए हैं। बालाघाट के लैंडेजरी तुलसीधाम में जन्मे गौरी शंकर बिसेन ग्राम हित कारिणी के अध्यक्ष के रूप में गांव-गांव में जाकर समाज सेवा शुरू किया था और किसानों के हमदर्द और हितैषी बन गए। इसके बाद इन्हें जिला सहकारी बैंक और भूमि विकास बैंक के अध्यक्ष के रूप में कार्य करने का मौका मिला। बालाघाट जिला के उपाध्यक्ष रह चुके बिसेन भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा एवं सहकारी प्रकोष्ठ के प्रभारी पद पर आसीन रह चुके हैं। किसानों के बीच इनकी गहरी पकड़ और लोकप्रियता को देखकर प्रदेश भाजपा ने इन्हें किसान मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष बनाया था और इन्होंने इस पद का ईमानदारी पूर्वक निर्वहन किया। बचपन से ही गौरी शंकर बिसेन के मन में देश सेवा करने का प्रबल जुनून था। इनकी हर सांसें देश सेवा के लिए धड़कती थी। यही कारण है कि इन्होंने आपातकाल के समय क्रांतिकारी नायक जय प्रकाश नारायण के साथ कंधा से कंधा मिलाकर कांग्रेस पार्टी की नीतियों का जोरदार विरोध किया था। अब होता है कुछ खास दिखा
जलवा दिखा जलवा मंजिल खुद आई पास दिखा जलवा दिखा जलवा अब मौका है कुछ खास दिखा जलवा दिखा जलवा मंजिल खुद आई पास दिखा जलवा दिखा जलवा सांसों को दहक लेने दे जज्बातों को महक लेने दे और पट्टे चक लेने दे। आज बालाघाट की आन बाण शान गौरी शंकर बिसेन की छत्र छाया में रहकर तेज तर्रार और फौलादी विचारों की प्रखर वक्ता और युवा शक्ति की धड़कन बन चुकी मौसम बिसेन भी अपने पिता की तरह समाज सेवा की रणभूमि में कूद पड़ी है। इनकी जन आंदोलन की आक्रामक शैली में एक तूफानी तेवर है। यही कारण है कि गौरी शंकर बिसेन की बेटी मौसम बिसेन भी अपने पिता की तरह बालाघाट की जनता के दिलों में बसती है। 24 घंटे जनता की सेवा में अपने को समर्पित कर चुकी मौसम बिसेन आने वाले भविष्य की वो सितारा हैं, जो बालाघाट में विकास का एक नया कीर्तिमान लिख सकती हैं। बचपन से ही हम सब ने यही माहौल देखा है कि हमें अपने जीवन को दूसरों के काम लाना, और मेरे भी अंतर्मन में यही रहता था क्योंकि जनसेवा अगर करना है, समाज में कुछ अच्छा करना है और समाज में बदलाव लाना है तो राजनीति से अच्छा माध्यम कुछ नहीं हो सकता। लेकिन इसमें भी इतनी ही सत्यता है कि सिर्फ विधायक और सांसद बनना ही मेरे जीवन का ध्येय नहीं है। मैं चाहती हूँ कि कुछ अच्छा करूँ, और अगर भगवान ने सामर्थ्य प्लेटफॉर्म दिया है, सामर्थ्य दिया है, तो अपने कर्मों से, अपने कृतित्व से दूसरों के जीवन में और कैसे हम प्रकाश ला सके, उजियाला ला सके, जीवन स्तर में सुधार ला सके और समाज और राष्ट्र हित में कुछ अच्छा कर सके, यही मेरा उद्देश्य है। से मिलते हैं कंधे कदमों से कदम मिलते हैं हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं कंधों से मिलते हैं कंधे कदमों से कदम मिलते हैं हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं निकले हैं मैदान में हम जा हथेली पर लेकर अब देखो दम लेंगे हम जाके अपनी मंजिल पर। बालाघाट की जनता के दिलों में बस चुके जमीनी नेता गौरी शंकर बिसेन ने बालाघाट के मुख्य मार्गों के अलावा गली गली में खूबसूरत सड़कों का जाल बिछाकर शहर की खूबसूरती और भव्यता में चार चांद लगा दिया है। शहर में स्थित सभी गौरव पथ का चौड़ीकरण और नवीनीकरण कर इसे खूबसूरत बनाया गया है। मोहगांव मुरधड़ मार्ग की खूबसूरती और इसकी चमचमाहट बालाघाट की एक नई कहानी कहता है। इसी तरह पोटियापाट घाट से ललबर्रा मार्ग का कांक्रीटीकरण किया गया है, जिसकी चमचमाहट किसी को भी अपनी तरफ आकर्षित करता है। इसके अलावा ललबर्रा से जबलपुर जाने वाला रोड का कंक्रीटीकरण, लालबर्रा सिवनी रोड का नवीनीकरण के अलावा सैकड़ों मार्गों का मरम्मतीकरण और नवीनीकरण कराया गया है। आज यहाँ की चमचमाती सड़कें इस बात का उदाहरण है। जो होना है हो जावे चले चलो अब सर ना कोई झुकावे चले चलो कोई हमसे जीत न पावे चले चलो मिट जावे जो टकरावे चले चलो। बालाघाट की मिट्टी में पैदा हुए किसान पुत्र गौरी शंकर बिसेन के नस नस में किसानों का दिल धड़कता है। यही कारण है कि खेती किसानी के माहौल में बचपन से ही पले बढ़े जन नायक बिसेन ने मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री बनते ही करोड़ों रुपए की लागत से बालाघाट में छत्रपति शिवाजी महाराज जैविक प्राकृतिक कृषि उपज केंद्र का निर्माण करवाया, जहां किसानों को अनाज का उचित दाम मिलता है और उन्हें यहां हर तरह की कृषि संबंधी सहायता मिलती है। इसी तरह लाल बर्रा में भी एक विशाल और आधुनिक कृषि उपज केंद्र का निर्माण कराकर बिसेन ने किसानों के अनाजों को उचित दाम उपलब्ध कराने और उनकी हर मुश्किलों को आसान बनाने के लिए एक बड़ा प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया है। किसानों के दिलों की धड़कन श्री गौरी शंकर बिसेन ने बालाघाट में एक राजा भोज कृषि महाविद्यालय का निर्माण कराकर अपने नाम अब तक की सबसे बड़ी उपलब्धि दर्ज किया है। लगभग 36 करोड़ की लागत से बने इस अत्याधुनिक और विशाल महाविद्यालय में कृषि क्षेत्र से जुड़े विषयों की पढ़ाई होगी। वही इस केंद्र में देश विदेश के वैज्ञानिक और प्रोफेसर कृषि शोध कार्य भी करेंगे। इसके अलावा किसानों के हितैषी बिसेन ने बालाघाट और लालबर्रा के गांव-गांव तक कृषि उपज केंद्र का निर्माण कराया है।
जिससे कि किसानों को अपने अनाजों को बेचने के लिए दूर न जाना पड़े और वह अपने गांव के नजदीक में ही अपना व्यापार कर सकें। मध्य प्रदेश में एकमात्र एक मेव एग्रीकल्चर कॉलेज कहीं खुला है तो राजा भोज कृषि महाविद्यालय नेवरगांव पोपिटोला लालपुरा विकासखंड में खुला, जिसका बिल्डिंग पे 80 करोड़ रुपया मंडी बोर्ड की निधि का हमने प्रावधान किया है और ट्रैवल वेलफेयर का पैसा उसमें हम लगाने जा रहे हैं। हमारे बच्चों का हॉस्टल बन गया है, बच्चों का हॉस्टल के लिए हम धन का इंतजाम कर चुकी। पचास सालों से बालाघाट में विकास को एक नई दिशा देने वाले भूमिपुत्र गौरी शंकर बिसेन के विकास कार्यों को जितना गिनाया जाए उतना ही कम है। आज श्री विशेण की कड़ी मेहनत की वजह से ही बालाघाट में जल्द ही 3 नए आधुनिक और भव्य फ्लाईओवर जल्द ही एक नया आकार लेगा। इसके तहत बालाघाट के भटेरा में रेलवे ट्रैक के पास 70 करोड़ 60 लाख रुपए की लागत से एक भव्य फ्लाईओवर बनाया जाएगा। इसी तरह सरेखा रेलवे ओवर ब्रिज बनाया जाएगा, जिसका निर्माण कार्य शुरू हो चुका है। इसी तरह रेलवे ट्रैक के पास एक और ओवर ब्रिज बनेगा। इन तीनों फ्लाई ओवर के बन जाने से जहां शहर की ट्रैफिक समस्या दूर होगी, वहीं लोग कम समय में शहर के किसी भी कोने में आसानी से आवागमन कर सकते हैं। इस वर्ष JJ 36 79 करोड़ रुपए का बोंदिया जबलपुर मार्ग पर रेलवे क्रॉसिंग ओवर ब्रिज का काम युद्ध स्तर पर चालू है। यही हमने रुके BK 9, जहाँ मैं बैठा हूँ, मेरे घर के आगे बाउंड्री करने के सामने बालाघाट कटेंगी मार्ग पर रेलवे क्रॉसिंग पर 40 करोड़ की लागत से सारी औपचारिकताएँ पूरी होकर के निविदाकार ने एग्रीमेंट कर लिया है। साथ ही साथ अंडरग्राउंड ब्रिज भी इसमें बनाया जा रहा है। हम यहीं नहीं रुके, BK 2 बालाघाट कटेंगी मार फाटक नंबर 2 बटेरा पे 70 करोड़ रुपए की लागत से रेलवे क्रॉसिंग ओवर ब्रिज बन रहा है, जिसकी लंबाई 1300 मीटर से ऊपर है। रानी अवंती बाई के चौक से लेकर के फॉरेस्ट विभाग के नाके तक 8.40 मीटर चौड़ाई का आरओबी हम बना रहे हैं। बालाघाट में विकास की एक नई गाथा लिखने वाले विकास पुरुष गौरी शंकर बिसेन ने करोड़ों रुपए की लागत से अनेक विशाल पुलों का निर्माण किया है, जिसमें कुम्हारी ढपेरा मार्ग स्थित वैन गंगा नदी पर 29 करोड़ की लागत से एक भव्य पुल का निर्माण हुआ है। इसी तरह पोटियापाट में वैन गंगा नदी पर एक विशाल पुल का निर्माण बालाघाट के विकास की कहानी कहता है। छिंदलई घाट स्थित वैन गंगा नदी पर एक विराट और भव्य पुल का निर्माण बालाघाट की जनता के लिए एक उपहार है, जिसे बिसेन जैसा जनसेवक ही जमीनी रूप दे सकता है। इसके अलावा गौरी शंकर बिसेन ने बालाघाट से जागपुर पुलिया के भी निर्माण की मंजूरी दिलाकर विकास को एक नया आयाम दिया है। ये ढपेरा बैनगंगा पुल लगभग 5 साल के पहले इसका भूमि पूजन हुआ था, 5 साल में बन के तैयार हुआ और बहुत सौभाग्य की बात है कि ढपेरा को बालाघाट से जोड़ा गया और साथ साथ जो दूरी 22 किलोमीटर की थी बालाघाट की, तो दूरी कम होकर 8 किलोमीटर की हुई। ढपेरा का पुल बनने से सभी गाँव वाले को बहुत सुविधा हुई और बहुत आत्मा सभी की संतोष हो गई। कनके बेराई होते हुए जाना पड़ता था, अभी ढपेरा पुल बनने से हमारी सुविधा बहुत अच्छी हो गई है, इसलिए गौरी शंकर बिसेन जी को धन्यवाद। और आज पुल बनने से गांव के या दूसरे गांव के लोग बोलो जैसे नहीं बोलो, सब लोगों को बहुत अच्छी सुविधा हुई। ढपेरा मोगाव पुल बनने से
हमको बहुत फायदा हुआ है। गौरी शंकर विजय मिश्री को धन्यवाद। घायल परिंदा है तू, दिखला दे जिंदा है तू, बाकी है तुझ में हौसला। तेरे जुनू के आगे अंबर पनाहे मांगे, कर डाले तू जो फैसला। कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह रे बंदे, हर मैदान फतेह। उच्च शिक्षा प्राप्त बालाघाट के शिक्षा के पुजारी गौरी शंकर बिसेन को अगर शिक्षा सम्राट कहा जाए तो गलत नहीं होगा। इन्होंने बालाघाट के गांवों गांवों तक सैकड़ों आधुनिक और भव्य उच्च विद्यालयों की स्थापना कराकर इस बात को चरितार्थ किया है कि बालाघाट का एक भी बच्चा निरक्षर नहीं होगा। हर बच्चा पढ़ेगा, लिखेगा और पढ़ लिख कर देश दुनिया में अपना नाम रोशन करेगा। बालाघाट का सीएम राइज, शासकीय वीरांगना रानी दुर्गावती उच्च स्तरीय माध्यमिक विद्यालय इस बात का उदाहरण है, जहाँ की आधुनिकता बरबस ही किसी को आकर्षित कर लेता है। यह आधुनिक उच्च विद्यालय विद्यार्थियों को हाईटेक उच्च शिक्षा देने के साथ साथ उनकी हर छिपी हुई प्रतिभा को तराशने का काम कर रहा है। इसी तरह बालाघाट में एक भव्य और आधुनिक महाविद्यालय का निर्माण किया गया है, जहां विद्यार्थियों को हर तरह की व्यावसायिक शिक्षा दी जाती है। यह महाविद्यालय बालाघाट के आधुनिक महाविद्यालयों में से एक है। मध्य प्रदेश में 350 से ज़्यादा सीएम राइज स्कूल बन रहे हैं। मेरे अपने गांव में 80 करोड़ की लागत से मेरे अपने गांव का नाम लेट जरिए जो हम उसको परिवर्तित करके तुलसी धाम करने जा रहे हैं, वहाँ पर NHI का बाईपास हमारे गांव के सिरे पे से जा रहा है। लोग NHI का विरोध करते, हमने कहा हमारे गाँव पर से जाएगा। यही नहीं, बालाघाट में हमारे रानी दुर्गावती उच्चतर माध्यमिक शाला को हमने सीएम राय स्कूल में परिवर्तित कर दिया। 80 करोड़ की लागत का भवन का निर्माण कार्य चल रहा है। इसी साल मुझे लगता है किसी भी आदेश हो जाएंगे, लाल बर्रा जो हमारा बौद्धि सिंह उच्चतर माध्यमिक विद्यालय है, उसमें सीएम राय स्कूल की हमको अलॉटमेंट मिल जाएगा। कदमों से मिलते हैं, कंधे कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। कंधों से मिलते हैं, कंधे कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। निकले हैं मैदान में हम जा हथेली पर लेकर, अब देखो दम लेंगे हम जाके अपनी मंजिल पर। बालाघाट के कर्मठ, ईमानदार और निस्वार्थ सेवक गौरी शंकर बिसेन की दिन रात की कड़ी मेहनत से अब बालाघाट का जल शोधन प्लांट एक नया और आधुनिक आकार ले चुका है, जहां से पूरे शहर को पानी फिल्टर कर घर घर नलों के माध्यम से पहुंचाया जाता है। यह पानी वैन गंगा नदी से इस प्लांट में आता है, जिसे शुद्ध कर शहर को पर्याप्त पानी दिया जाता है। बता दें कि पहले यहां पर एक पुराना फिल्टर प्लांट था, जिसे अब एक आधुनिक रूप दिया गया है। विकास का एक नया इतिहास बना चुके बालाघाट के जन जन के दुलारे नेता गौरी शंकर बिसेन ने बालाघाट के ड्यूटी डैम का नवीनीकरण कराया है, जिसका आकर्षण किसी का भी मन मोह लेता है। आज ये डैम पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। शासकीय स्रोतों से 82% सिंचाई करने की स्थिति में है, तो वो पानी तक पहुंच जाए, इसके लिए 135 करोड़ की लाइनिंग ढोटीगा सिंचाई प्रणाली में आज के 7 साल पहले हमने पूरा करवाया, और अभी 27 करोड़ का सराटी जलाशय की एलबीसी और आरबीसी तथा बकुड़ा बहन लाइनिंग का कार्य डिस्ट्रिक्ट माइनिंग फंड से जारी है। कटंजली जलाशय एक है, जिससे हमारे 3-4-5 गांव में सिंचाई होती है।
यदि अनुकूलता रही तो वाराणसी क्षेत्र के सरणी तक पानी जाता है। उनके किनारों का लाइनिंग का कार्य चल रहा है। आंखों से अपने संकल्प बोल के हम तो निकल पड़े हर द्वार खोल के गगन कहे विजय भवा। अपनी पूरी उम्र जनता के कार्यों के लिए समर्पित करने वाले विकास के नायक गौरी शंकर बिसेन सैकड़ों ऐसे विकास कार्यों को हकीकत रूप दिया है जिसे इनके बिना संभव नहीं था। इनमें बालाघाट में भव्य सभागार का निर्माण प्रमुख है। बालाघाट के इतवारी सब्जी मंडी रोड के अलावा सब्जी मंडी इमारत का नवीनीकरण इनके प्रयास से ही संभव हुआ है। गरीबों के मसीहा गौरी शंकर बिसेन के अथक प्रयासों से बालाघाट में हजारों गरीबों और भूमिहीनों को सस्ते दामों पर पक्का घर दिया जाएगा। आज यह खूबसूरत आवासीय इमारत बनकर तैयार है। यह खूबसूरत आवास सचमुच आकर्षक है जिसकी चाबी जल्द ही घर मालिक को सौंप दी जाएगी। हर छोटे छोटे कस्बों में अनेकों उप स्वास्थ्य केंद्रों का निर्माण कराया गया है जिससे मरीजों का उनके घर के पास ही इलाज हो सके और उन्हें हर प्रकार की दवाइयां सस्ते दामों पर उपलब्ध हो सके। कोरोना काल के समय बालाघाट के जिला चिकित्सालय में श्री बिसेन जैसे वीर योद्धा ने करोड़ों रुपए की लागत से एक बड़ा ऑक्सीजन प्लांट लगवाकर मौत से लड़ रहे हजारों कोरोना मरीजों को एक नई जिंदगी दिया था। जन जन के दुलारे सेवक गौरी शंकर बिसेन ने हाल ही में बालाघाट में एक मेडिकल कॉलेज के निर्माण की मंजूरी दिलाकर बालाघाट के युवा युवतियों को एक बड़ा उपहार दिया है। इस मेडिकल कॉलेज के निर्माण होने से डॉक्टर बनने के इच्छुक हजारों युवाओं को एक बड़ा रोजगार मिलेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने पिछले दिनों अनेक कार्यक्रम में कहा मैं मेडिकल कॉलेज की आधारशिला रखने आऊंगा। बालाघाट नगर का गौरव दिवस मनाने जा रहे हैं। 5 वर्षीय पाठ्यक्रम के कोर्स के लिए लॉ कॉलेज के 10 एकड़ जमीन हमने आरक्षित किया है क्योंकि हमको सब बजट मिल चुका है। टेंडर की कार्रवाई चालू है। अब पता है कुछ खास दिखा जलवा मंदिर खुदवाई पास दिखा जलवा चकल।